हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। आज हम आए हैं साउथ गोवा के मोबोर बीच एरिया में द फिशरमैन्स वॉर्फ में फूड ट्राई करने। इसका जो एम्बियंस है वो भी बहुत ही यूनिक है और इसका जो सी फूड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले थोड़ा रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं और फिर फूड ट्राई करते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये सी फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्होंने जो डेकोर में चीज़ें यूज़ की है, जैसे कि उन्होंने आर्टिफिशियल बड़े बड़े सी शेल यूज़ किए हैं, फिर बोट्स यूज़ किए हैं, तो उसके वजह से जो लुक है और पूरा जो एम्बियंस है वो सी फूड खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे किड जोन भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम किया है। सो रेस्टोरेंट में उन्होंने ऐसी ग्राफिटीज की है जो गोवन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, जो बहुत अच्छा टच है। एक्चुअली ये वाला जो ग्राफिटी है स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप गोवा आए रहोगे ना तो आपने ये ज़रूर फेस किया रहेगा कि जब भी आप रास्ते से जा रहे होते हो तो बहुत सारे गाय और भैंस का झुंड जो है वो जाते रहता है और वो हमेशा बीच में आता है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट किया है। सो गाइज, ये एंट्रेंस है और आप मेरे पीछे देख सकते हो, उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डेकोर के लिए यूज़ की है वो जब आप गोवा को विजुअलाइज करोगे तो आपके नज़र के सामने यही सारी चीज़ें आएगी। इसी वजह से जो इसका वाइब्स है पूरा वो बहुत गोवन है। जिस तरीके से उन्होंने ये रेड ब्रिक्स यूज़ किया है ये भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको गोवा में आपको कई सारे घरों में आपको यही वाले ब्रिक्स देखने मिलते हैं। गाइस, अभी हम एंटर कर चुके हैं और हमें एक टेबल मिला है। सिर्फ हमने रिवर साइड का टेबल नहीं लिया बिकॉज रिवर साइड के टेबल के लिए आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है और वो रिजर्वेशन वो 1 बजे तक ही लेते हैं, उसके बाद वॉक इन होता है। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको रिवर साइड का टेबल मिल जाएगा, हमें तो फिलहाल नहीं मिला है, तो हम उसके साइड के टेबल में बैठे, बट यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। तो अभी ऑर्डर करते हैं फूड क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सो गाइस, ये लॉबस्टर है और ये 440 ग्राम्स का, राइट? ये 440 ग्राम्स का है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है लॉबस्टर खाने का, तो मैंने अभी उनको बोला है कि थोड़ा इजीएस्ट वे देना कुक करके सो दैट मैं खा पाऊँगा। तो इसके साथ मैश्ड पोटैटो आता है, मैश्ड पोटैटो, सौते वेजिटेबल्स और 2 गार्लिक ब्रेड। और ये हम लोग किस टाइप से कुक कर रहे हैं? बटर गार्लिक टाइप में कुक होने वाला है, जो कि बहुत ही कॉमन है, इसी वे से खाते हैं। और इसका आप ये देख सकते हो कि आगे कितना लंबा है। सो लेट्स ट्राई। फिशरमैन वॉक के 2 आउटलेट्स है, पहला जो है वो पंजिम में है और दूसरा यहाँ पे साउथ गोवा में मोबोर बीच के पास में है। हमने पंजिम वाले फिशरमैन वॉक का भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आई बटन पे डाल दूंगी, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। वैसे आप नॉर्थ गोवा में अगर रुके हो तो आपको पंजिम वाला ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, और अगर साउथ गोवा में रुके हो तो ऑब्वियसली ये वाले फिशरमैन वॉक में आप आइएगा। तो हमें तो गाइस वीडियो शूट करना था इसलिए हम आफ्टरनून में आए, बट आई फील कि इवनिंग के टाइम पे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लाइट्स लगाए हैं ये बहुत ही प्लेजेंट और बहुत वाइब्रेंट दिखता होगा रात को, स्पेशली अगर आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस, लॉबस्टर आ चुका है और ये मैंने बोला है बटर गार्लिक के इसमें कुक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बटर गार्लिक में सबसे सटल टेस्ट होता है, तो उस रीज़न से मैंने ये बोला है। और उन्होंने क्या किया है ना, सारा कुछ कुक करके फिर से इसके अंदर भर दिया है सो दैट मैं इजीली खा सकूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने मेरे लिए इजी कर दिया। आगे का जो पार्टी उन्होंने बोला वो सिर्फ शो के लिए उसको खाते नहीं है, सिर्फ जो पीछे है उसी को खाते हैं प्रॉपर, उसका जो मीट है वो। और उसके साथ आया है ये 2 गार्लिक ब्रेड, वेजीज और मैश पोटैटो। आप मैश पोटैटो के अलावा फ्राइज भी बोल सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि यूजुअली अगर आप लॉबस्टर खाते हो तो उसके साथ मैश पोटैटो ज़्यादा अच्छा लगता है, उस रीज़न से मैंने भी मैश पोटैटो ही बोला। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है और मस्त उन्होंने नींबू विम्बू दिया है मुझे, तो इसके ऊपर डाल के खा के देखते हैं। और बहुत ही ऐसा देखने के लिए तो बहुत यमी लग रहा है,
सी फूड तो मैं ऐसे यूजुअली भी खाता हूँ, बट लॉबस्टर फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लॉबस्टर खाने के लिए। तो लेट्स सी कि वो कैसा टेस्ट करता है। सो गाइज अभी टेस्ट करते हैं। इन्होंने प्रॉपरली इसके अंदर फिल करके रखा है, तो इसके अंदर प्रॉपरली गार्लिक और बटर का अरोमा आ रहा है। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छे से कुक हुआ है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बटरी है, तो इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले ना वो बहुत ही सिंपल है, और उसी रीज़न से इसका जो टेस्ट है ना बहुत उभर के आ रहा है। मतलब जैसे अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डाल के अगर देते ना तो आई गेस वो ओवरपावर कर देता था जो लॉबस्टर का जो मीट का टेस्ट है उसको, बट वैसा नहीं हुआ है। ये बहुत सिंपल तरीके से कुक हुआ है, बट बहुत अच्छे तरीके से कुक किया। उनको पता है कि किधर तक कुक करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा कुक हो गया तो थोड़ा रबरी हो जाएगा, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर रहा है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो उसको आप बटर और गार्लिक वाले इसमें ही खा के देखो, क्योंकि वो बेस्ट रहता है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से वो लोग कुक करके देते हैं, बट मैंने ये ट्राई किया। जो वेजेज है उसके अंदर उन्होंने दिया है बेबी कॉर्न्स, उसके बाद में कैरेट, जुकीनी, मशरूम और ये फ्रेंच बीन्स है। मतलब ये दिखने में बड़ा लग रहा है, बट आई फील मैं इसको पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, बहुत ही इनक्रेडिबल टेस्ट है। सो मैं लॉबस्टर तो ट्राई नहीं कर सकती थी, बट उसके साथ जो भी स्टर फ्राइड वेजेस थे और मैश पटेटो था वो मैंने ट्राई किया, बहुत यम्मी है। एक्चुअली मैंने स्टर फ्राइड वेजेस जो है वो मैंने ही पूरे ख़त्म किए, क्योंकि उनको वेजेस पसंद नहीं है। बहुत अमेजिंग टेस्ट है, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ नमक डाला है, ऑयल में थोड़ा सा हल्के से ऑयल में स्टर फ्राई किया है, और ब्लैक पेपर है, और उसमें जब मैंने लेमन स्क्वीज़ किया तो उसका टेस्ट अमेजिंग लग रहा था। मैश पोटेटोज भी परफेक्ट है, एकदम ही क्रीमी जो टेक्सचर होना चाहिए मैश पोटेटो का वो है। अमेजिंग टेस्ट है इसका भी, और मेरे नूडल्स आ चुके हैं तो मैं अभी वो भी ट्राई करूँगी। सो गाइस हक्का नूडल्स आ चुके हैं मेरे, और जो नूडल्स है वो काफ़ी थिन नूडल्स है उन्होंने यूज़ किए हैं। इसमें वेजेस है, कैप्सिकम दिख रहा है मुझे, कैरेट है, कैबेज है, अनियन है, और उसके साथ साथ स्प्रिंग अनियन भी है। अच्छा टेस्ट है, जैसा हक्का नूडल्स का टेस्ट होना चाहिए वैसा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने थिन नूडल्स यूज़ किए हैं, तो उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा टेस्ट है, इसमें कुछ मुझे नया बताने ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सिंपल हक्का नूडल्स है। सो गाइस जो बटर गार्लिक लॉबस्टर था उससे तो मेरा पेट नहीं भरा, उसके लिए मैंने अभी दूसरा और एक डिश मंगाया, और वो है जम्बो प्रॉन। और जो लॉबस्टर था वो बटर गार्लिक में था, उसके लिए मुझे थोड़ा अभी स्पाइसी खाने का मूड था। उसके लिए जो मैंने जम्बो प्रॉन मंगवाया वो मैंने मंगवाया तंदूरी में, और वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देख के, और उसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये प्रॉन है जो उन्होंने तंदूरी में कुक किया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कुक हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने देखो नींबू कैसे ये किया है, कट करके रखा है, इसको भी थोड़ा तंदूर करके रखा है, तो वो भी बहुत सही लग रहा है। ये है अनियन जिसको उन्होंने मसाले लगाए, तो थोड़ा स्पाइसी अनियन है। ग्रीन चटनी है और रेड चटनी है, और ये जो है ये नान दिया है सिंस ये तंदूर वाला प्रॉन है उसके। सो गाइज अभी मैं और रुक नहीं सकता, इसको अभी मैं टेस्ट करता हूँ। सो गाइज मुझे स्पून से निकालने को नहीं हुआ, तो मैं अभी हाथ से खा रहा हूँ डायरेक्टली। अमेजिंग टेस्ट है, स्पाइसी है ये जो प्रॉन है वो, और टेस्ट करते ही समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये लेमन भी स्क्वीज करता हूँ। सॉरी गाइज मैं दोनों हाथों से खा रहा हूँ, बट सी फूड खाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मस्त टेस्ट है, सही टेस्ट है एकदम। दोनों भी जो मेरे डिश है, लॉबस्टर जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया वो भी बहुत सही था, उसका टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अच्छा वो मैंने तंदूर में मंगवाया सेकेंड वाला डिश, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी भी है तो उसके साथ टेस्ट करने को और अच्छा लग रहा है। और उसके साथ सिंस उन्होंने नान दिया है तो मैं पूरा नान के साथ उसको खा सकता हूँ। मस्त है, इधर भी मसाला लगा है बट बहुत सही है। सो गाइज मैंने बहुत अच्छे से दबाया है। मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप बटर गार्लिक सॉस में ट्राई कीजिए, जो मैंने पहले लॉबस्टर ट्राई किया वो आप प्रॉन्स में भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, फिर मीडियम स्पाइसी भी खाना पसंद है, तो आप तंदूरी मसाले में ट्राई कीजिए, उसके अंदर आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, उसके लिए जो मुझे प्रॉन्स था वो ज़्यादा बेटर लगा। बट ओवरऑल जो फूड है वो मेरे हिसाब से बहुत सही है, बहुत फ्रेश सी फूड यहाँ पे मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे आसपास हो तो आप पक्का यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। तो गाइज हमारा लंच हो चुका है, बहुत अमेजिंग फूड था। सी फूड का रिव्यू तो आपने इनके पास से सुना ही, वेज फूड भी काफ़ी अच्छा है। हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस यानी कि जो टोटल बिल आया वो मैं एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगी, उसका ब्रेकअप दे दूंगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है इसका, अगर आप स्पेशली डेट के लिए आ रहे हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट
करने के लिए आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप कोलवा साइड पे रुके हो तो वहाँ से ये काफ़ी नज़दीक है, और इसके आसपास भी बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं जैसे कि नोवोटेल है, लीला है, तो आसपास स्टे के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। बहुत अमेजिंग है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप सी फूड लवर हो तो। तो इस रेस्टोरेंट को मैं रेटिंग इस तरीके से दूंगी, एम्बियंस को मैं दूंगी 10/10, सर्विस को मैं दूंगी 10/10 क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा पोलाइट है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी डिश अगर आप ऑर्डर कर रहे हो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रहेगा और आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं। और जो फूड है उसको भी मैं दूंगी 10/10, ये हाईली रिकमेंड है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।